जो थमते नहीं, जो रुकते नहीं, मुश्किलों के आगे जो झुकते नहीं, दर्द सहते हुए बढ़ते जाते हैं जो, दिक्कतों से हमेशा लड़ते जाते हैं जो, कठपुतलियां वक्त के हाथों जो बनते नहीं, ऐसे ही लोग तरक्की का इतिहास लिखते हैं, ऐसे ही लोग डायमंड बनते हैं, जैसे कि डायमंड मिस्टर नीरज यादव। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, जहां के कणकण में अब भी इतिहास की अनगूंज सुनाई देती है। इसी जिले की तहसील है शिकोहाबाद। इसी ऐतिहासिक जमीन पर एक गांव है नगला, नगला जवाहर, जिसे अमारी भी कहते हैं। इसी धरा की सतरंगी फिजा में जन्मे नीरज यादव। साल था 10 सितंबर 1991। पिता श्री प्रमोद कुमार और मां श्री शकुंतला देवी। अभी आपकी उम्र महज 3 साल की ही थी कि बीमारी के चलते आपके पिता का साया आपके सर से उठ गया। मां की मांग सुनी हो गई। कम उम्र में असहनीय पीड़ा की कल्पना भी नहीं की जाती। चाचा श्री धर्मवीर यादव ने आपके आंखों के रिश्ते आंसुओं की व्यथा को समझा और आपकी मां को जीवन संगिनी बना लिया। इस तरह आपको अपने पिता का साया सर पर फिर से मिल गया। आप 3 बहन और 2 भाई हैं, जिसमें आप सबसे बड़े हैं। स्कूल का दौर गांव से ही प्रारंभ हुआ। 3री कक्षा तक यहां पढ़ने के बाद 6वीं कक्षा से 12वीं तक की पढ़ाई आपने शिकोहाबाद में पूरी की। दोस्तों की राय पर डिप्लोमा कोर्स करने के बाद नौकरी आसानी से मिल जाती है। आप गाजियाबाद आ गए और IIHT हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करने लगे। इसी दौरान वक्त ने करवट ली और आपके पिता श्री धर्मवीर यादव आर्थिक संकट में आ गए। आपने घर को आर्थिक आधार देने के लिए कभी कॉल सेंटर में काम किया, कभी डोर टू डोर मार्केटिंग की, एयरपोर्ट में 4th क्लास की नौकरी के लिए भरकस प्रयास भी किए, मगर कुछ नहीं हुआ। आपकी जद्दोजहद को देखते हुए आपके पिता ने अपने संपर्क से आपको पोस्ट ऑफिस में डेटा एंट्री के जॉब पर लगा दिया। अब यही आपकी किस्मत थी। और एक दिन समय ने सोना उगला। आपके छोटे भाई को किसी सज्जन ने जीवन बदल देने वाला प्लान बताया और फोन करने को कहा। आपके भाई ने आपको बताया, सुनकर आपने उस नंबर पर फोन लगाया तो दूसरी तरफ प्लान देखने आने का न्योता मिला। और जब आप वहां पहुंचे तो आपने सेफ शॉप की विस्मृत दुनिया को देखा। 200 से ज्यादा ऊर्जावान लोग जहां अपनी बदलती जिंदगियों की कहानियां बता रहे थे। आपको एहसास हो गया कि यदि किस्मत बदल सकती है तो बस यहीं से। और आपने मन में ठान लिया, ना होंगे टस से मस, सेफ शॉप बस। घर आकर जब आपने ये निर्णय परिवार को बताया तो सभी ने आपके फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। दूसरे ही दिन आपके अपलाइन ने कहा कि सेफ शॉप ज्वाइन करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। सुनकर आपका मन दुखी हो गया। उस समय आपके पास इतना पैसा होना वैसे ही था जैसे मुट्ठी में सितारे होना। जब आपने अपने पिता को यह बात बताई, आपके पिता ने चिंता न करने की सलाह दी। बाद में वो कर्ज के लिए कई सारे लोगों से मिले, किसी ने उन्हें अपमानित किया तो किसी ने घर से निकाल दिया। लेकिन वो हारे नहीं और 8,000 रुपए आपके हाथों में रख दिया।
और सफर शुरू हुआ बुलंदी के शिखर को छूने का। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पांव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहां, जाए वही ले जाए जहां। बेसबरिया। प्लान समझाने के दौरान जो वेदनाएं आपने झेली वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तब भी मंजिल दूर थी। फिर एक दिन आपके अपलाइन ने आपको मिलवाया उस शख्सियत से जिसने अपनी इच्छा शक्ति, टीम मैनेजमेंट और हार्डकोर ट्रेनिंग के बूते तरक्की का बड़े से बड़ा मकाम छुआ हुआ था। ग्राउंड लीडर श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी, जिनसे मिलने के बाद पत्थर भी सांस लेने लगता है। आपने इन्हीं महागुरु से ट्रेनिंग लेकर बिजनेस की बारीकियों को समझकर आपने प्रारंभ की अपनी विजय यात्रा। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही। और लगातार जीत दर्ज करते हुए सिल्वर बने, गोल्ड बने, पर्ल बने, टोपेज बने, एमरल्ड बने, रूबी बने, और अब बारी है उस मकाम को पाने की जिसे डायमंड कहते हैं। छह दिसंबर 2014 को इंद्रपाल जी की सुकन्या नीता यादव के साथ आपने नव जीवन की वैवाहिक शुरुआत की। वर्ष 2015 30 नवंबर को आपका आंगन चिड़िया रूपी बिटिया कोशिकी के आगमन से चहचहा उठा। आज आप महंगी से महंगी कार में चलते हैं, हवाओं के साथ प्लेन में उड़ते हैं,
आज हजारों युवा आपकी एक झलक को तरसते हैं, आपको सुनने के लिए ललायत रहते हैं। आपने इस बिजनेस से न केवल धन कमाया बल्कि कमाया है सम्मान। ऐसे करिश्मे, ऐसा कमाल सिर्फ होता है सेफ शॉप में। जय जय नीरज यादव जी, जय जय सेफ शॉप। उम्मीदों के फलक पे जो सूरज खुद का उगाते हौसलों के पर लगा के वक्त के आगे जाते हैं। लीड अस फॉरएवर।